अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि इस्लामाबाद के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में सिंध के तालिबे इल्मों पे हमला हुआ है, उनको बंद किया गया है। कुछ इंतहा पसंद लोगों ने उनको बंद करके उन पर तशद्दुद किया है। कि आप सिंध को एडहॉक बुनियादों पे न डील करें। ठीक है, हमने बात कर ली, अब सिंध के लोग जाने। सिंध के लोगों को पनिशमेंट ये देती है तमाम लोग कि भाई तुमने इनको वोट दिया है। भाई आपको पता है कि वडेरा शाही है, जागीरदार शाही है, लोगों से जबरन वोट लिए जाते हैं, लोगों को बंधवाया जाता है, लोगों को गिरफ्तार करके उनको दबाकर उनसे वोट दिए जाते हैं। अब क्या आप पाकिस्तान के लोग उनको मरने देंगे कि क्योंकि तुम्हारा ये कसूर है इसलिए मरो, तबाह हो जाओ, डूबो, बर्बाद हो, हम लाताल्लुक हैं। जैसे वफाकी हुकूमत 10-15 साल से लाताल्लुक है। सिंध को पहले डुबोया जाता है फिर सुखाया जाता है। सिंध को अपने हिस्से का पानी दें, सिंध को अपने हिस्से की बिजली दें, सिंध को अपने हिस्से की गैस दें, पेट्रोल दें, कोयला दें, सिंध को ड्यू शेयर दें। सिंध के लोगों को ये आप पैगाम मत दें वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत। सिंध असेंबली कौन सी कानून साजी करती है सिंध के मामलात पर? सिंध की एग्रीकल्चर तबाह कर दी है सिंध हुकूमत ने, सिंध की हेल्थ तबाह है, सिंध की एजुकेशन तबाह है, सिंध का गवर्नेंस तबाह है। उससे क्यों वफाकी इदारे, उससे क्यों पाकिस्तान की पार्लियामेंट और सेनेट ला ताल्लुक है? उस पर अपना किरदार अदा करें। तो सिंध के लोगों के जहां भी सिंध के बाशिंदे हों, सिंध में बसने वाले सिंधी और उर्दू बोलने वाले आपस में भाई हैं। सिंध में परमानेंट जो भी मुस्तकिल सिंध के शहरी हैं वो आपस में भाई हैं, आपस में उनका ताल्लुक है डिकेड्स का। हम सबको मिलकर आवाज बुलंद करनी है सिंध के तमाम लोगों के लिए। मैं गवर्नर साहब से अभी ये भी गुजारिश कर रहा हूं आपके सामने कि सिंध में जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, सिंध की अकलियतों के लिए, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे पारसी भाई, हमारे सिख भाई, उनकी भी वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत आवाज बने। सिंध की खवातीन के खिलाफ जो ज्यादतियां हो रही हैं, बच्चियों का अगवा, बच्चियों का फोर्स्ड कन्वर्जन, बच्चियों की जबरी शादी, कबायली जरगा सिस्टम, कारोकारी, वट्टा सट्टा, बदो, इन तमाम चीजों पर पॉलिसी बनाई जाए। और सिंध असेंबली को गवर्नर साहब कहें, सिंध के वजीर आला साहब को कहें, आसिफ अली जरदारी साहब से मिलकर, अभी इनकी पिछले दिनों मुलाकात हुई है, बिलावल भुट्टो साहब से मिले, आसिफ जरदारी साहब से मिले, पी साहब पगारा से मिले, इन तमाम लोगों से ये कहें कि सिंध को, सिंध के आम किसानों और मजदूरों के लिए, सिंध की खवातीन के लिए, सिंध की अकलियतों के लिए और सिंध के तमाम लोगों के लिए एक ऐसी सरजमीन बनाएं जो पाकिस्तान के 90% वसायल रखती है, उस सरजमीन के लोग खुशहाल। शुक्रिया।